हेलो फ्रेंड्स, अनुपम आइडियाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनुपम और आप देख रहे हैं अनुपम आइडियाज़। दोस्तों, हम अपने चैनल में लाइफ से जुड़े यूजफुल टिप्स, आइडियाज़, रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स या हमारी ज़रूरत जो लाइफ में पड़े होती है उन चीज़ों से जुड़े हुए छोटे छोटे आइडियाज़, टिप्स आदि शेयर करते हैं। हमारी पर डे की लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं उनसे जुड़े हुए छोटे छोटे आइडियाज़, छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम जो आपके साथ आइडिया या कह लीजिए या फिर न्यूज़ कह लीजिए या टिप्स कह लीजिए जो शेयर कर रहे हैं, उसको सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हमारे साथ, आपके साथ, पता नहीं कितने ही लोगों के साथ वो घटनाएँ घटी होगी और हम सभी ने ऐसी गलतियां भी की होंगी। जाने अनजाने हम सभी लोग ऐसी गलती कर जाते हैं और अक्सर लेडीज़ तो बिना सोचे समझे कुछ भी रहता है, उन्हें थोड़ी छोटी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ ऐसी जाने अनजाने गलती हो जाती है जिससे हम सभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये जो टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं या जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहली बात तो आप पूरा देखिएगा और देखने के साथ साथ अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो शेयर तो इसको ज़रूर करिएगा। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे ये दूसरों के लिए उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वीडियो हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे चैनल के लिए नहीं, ये हम एक आपके साथ इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी, ऐसी जानकारी शेयर कर रहे हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी और उससे काफ़ी लोग सचेत होंगे। ये हमारे समाज के लिए, हमारे, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए भी एक तरीके से फायदेमंद होगी, क्योंकि हम लोग जितना जागरूक होंगे और जितनी जानकारी हमें मिलेगी हमारे लिए ही उतना अच्छा होगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी हावी है सभी पर और छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़रूर वायरल करिएगा ताकि ये जो है दूसरों को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, उनको खुद सचेत कर सके, सजग कर सके और इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा हावी है आजकल, छोटे बच्चे हों या बड़े हों सभी लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चे आजकल बोलना बाद में सीखते हैं, मोबाइल देखना पहले शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा घर में, हमारे साथ हमारा बच्चा भी है मोबाइल देखता, कि छोटे छोटे बच्चे खाना खाते जा रहे हैं मोबाइल देखते जा रहे हैं और नाश्ता करते जा रहे हैं मोबाइल देखते जा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, बॉटल लगाए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो मोबाइल से आज कोई भी अछूता नहीं रह गया है और मोबाइल हम सबकी ज़रूरत भी बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी लोग बच्चे करते हैं। अभी तक कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई भी लोगों ने की, तो मोबाइल आज सबकी ज़रूरत बन चुका है और सोशल मीडिया पे सभी को रहता है फेमस होने का, मुझे भी है, सबको है। और आजकल वैसे काम की चीज़ें तो कमी फेमस होती हैं, जो वल्गैरिटी है या फिर कुछ भी आपने अनाप शनाप बोल दिया वो ज़्यादा फेमस हो गया, काफ़ी व्यूज़ पहुँच गए, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं और अच्छी अच्छी जानकारी रहती हैं। मेरे ही चैनल पे काफ़ी अच्छी जानकारी रहती है लेकिन वो हमारा चैनल उतना फेमस नहीं हुआ है और ना ही उसको इतना ज़्यादा वीडियोज़ वायरल होती हैं, लेकिन हम अपने, मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने दोस्तों के साथ अच्छी, इफ़ेक्टिव और सही जानकारी आपके साथ शेयर करें, ताकि उसका, चाहे वो ब्यूटी टिप्स हो, चाहे हेल्थ से जुड़े हुए टिप्स हो या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन हो, तो उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो, हमारी हेल्थ पर अच्छा हो, हमारे समाज पर अच्छा हो, हमारे परिवार पर अच्छा हो और जो उसके इफ़ेक्ट हो उन सभी के लिए फ़ायदेमंद हो बजाय नुकसान होने के। तो जैसे आजकल वल्गैरिटी हुई या फिर कुछ भी हुआ तो वो जल्दी जल्दी फेमस हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ें लोग कम ही पसंद करते हैं, उनको जल्दी फेमस नहीं करते हैं। तो हमारा ये आज का जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही, कहना चाहिए, इफ़ेक्टिव है और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा
और अमल भी करिएगा इस पर, क्योंकि ये गलतियां हमने भी की हैं, आप में से बहुत से लोगों ने की होगी, क्योंकि आजकल मोबाइल हर घर में रहता है और मोबाइल छोटे से लेकर बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा शौकिया मोबाइल चेंज करने के होते हैं कि आए दिन नए नए मोबाइल, जैसे एक साल चलाया मोबाइल और उनको नया मॉडल आया, उन्होंने फटाक से चेंज कर दिया, तो घर में जो मोबाइल पड़े रहते हैं तो वो बेकार होते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग किसी को दे दिया या फिर निकाल दिया या फिर खराब हो गया तो हम लोग आया कबाड़ी वाड़ी वाला आया उसको दे दिया, हम सभी लोग करते हैं, और लेडीज तो अक्सर ये कर देती हैं कि छोटी, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल हमारे घरों के पास, हमारे घरों की गलियों में, मोहल्लों में, गांव में काफी कबाड़ी वाले आते हैं या कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, जो सामान जैसे सामान के बदले या मोबाइल के बदले कुछ सामान देते हैं, जैसे कि बर्तन दे रहे हैं या फिर कप है, प्लेट है, या कुछ और भी जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फल वगैरह हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो कुछ चीजों के बदले देते हैं। तो ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे मोबाइल के बदले लोग सामान देते हैं, जैसे कुछ तो लोग हैं बर्तन भी देते हैं, कप सामान भी देते हैं, जैसे खाने पीने के आइटम हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो घरों में पड़े रहते हैं तो उनसे वो ले लेते हैं। तो दोस्तों हम इसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही इफेक्टिव जानकारी शेयर कर रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उसकी वो कितनी सच है उसका हम सबूत आपको अपने वीडियो के लास्ट में जरूर देंगे। दोस्तों जब हम सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल अक्सर जैसे जब खराब भी होते रहते हैं तो हम लोग उनको फेंक देते हैं, तो इस मोबाइल के जरिए हम उन्हीं सभी बहनों को जो हमारे गांव में, दूर दराज गांव में रहती हैं, जहां पर वैसे मोबाइल और सोशल मीडिया तो आजकल गांव सभी जगह भी है, और भले ही पेपर लोग नहीं पहुंच पढ़ पाते हैं, पेपर थोड़ा कम हो गया है पढ़ना, और मोबाइल से लोग ज़्यादा न्यूज़ भी देखते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, और ट्विटर है, ये है वो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और न्यूज़ वगैरह मोबाइल पे भी पड़ी रहती है, उसको देखते हैं। तो मुझे लगा कि हम ये जानकारी मोबाइल के ज़रिए ही आपके साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे जब जानकारी मैंने पढ़ी और मुझे पता चली तो मुझे लगा कि ये मैं कुछ दिन पहले, मैंने भी एक साल पहले गलती की, ताकि और लोग जो गलती कर चुके हैं दोबारा से गलती ना करें और बच जाएं, किसी ऐसे हादसे का शिकार होने से बच जाएं, और जो हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे कहना चाहिए राष्ट्र के लिए भी फायदेमंद हो। दोस्तों अक्सर लोग पुराने मोबाइल पड़े होते हैं कबाड़ी को दे देते हैं, मैंने भी ऐसा किया था, तो हमारा जो पुराना मोबाइल रहता है हमने कबाड़िया लाया उसको दे दिया क्योंकि बेकार पड़ा है, वो चल नहीं रहा, खराब हो गया है, बेकार हो गया, लेकिन आप उसका डाटा भी डिलीट कर देते हैं तब भी दे देते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने पिछले साल ऐसे मोबाइल हमारे पास खराब पड़ा था तो हमने दे दिया, और हमारे हस्बैंड ने दूसरा मोबाइल इस्तेमाल किया, उसमें सिम वगैरह डाला, लेकिन बार बार उनका व्हाट्सएप बंद हो जा रहा था और उस पर मैसेज आता था कि आपने जो है गलत तरीके से मैसेज दिए हैं, ये है वो है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर में होते होते कई बार ऐसा हुआ कि उनका वो जीमेल वो सब बंद हो गया, तब मुझे इतना कोई ज़्यादा मतलब हमने ध्यान भी नहीं दिया कि शायद हमने मोबाइल दिया होगा ऐसा, लेकिन जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी और हमें लगा कि शायद इसकी वजह से हुआ, तो मुझे लगा कि हम आप लोगों के साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर करें, और इस जानकारी को जितना ज़्यादा हो सके उस सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, लोगों तक, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुँचाइए, ताकि वो इससे बच सकें। दोस्तों आजकल जो मोबाइल कबाड़ी वाले या घरों के आसपास मोहल्लों में आते हैं, सामान देते हैं, आप पुराने मोबाइल को कभी भी उन लोगों को मत दीजिएगा, उन थोड़े से लालच में या थोड़े से सामान के लालच में महिलाएं अक्सर करती हैं कि उनको लगता है कि घर में कुछ भी बेकार चीज़ पड़ी हुई है, हम इसको देकर थोड़ा सा कुछ सामान ले लेंगे, क्योंकि लेडीज़ की फितरत होती है कि वो तिनका तिनका जोड़कर अपने घर गृहस्थी बनाती हैं। मुझे भी शौक रहता है, सबको शौक रहता है, लेडीज़ को ज़्यादातर शौक रहता है जो घर में, तो उनको लगता है ये बेकार ही पड़ा है, खराब पड़ा है, तो इसके बदले कुछ सामान मिल जाएगा। मैंने भी ऐसी गलती की थी, लेकिन अब मैं दोबारा सचेत हो गई हूँ, आप सभी लोग भी सचेत हो जाइएगा, इससे आप बहुत बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं, कि आज आप लोग सुनते भी होंगे और आप लोग के पास फ़ोन भी आते होंगे अक्सर कि आपका ये इनाम निकला है, आप ऐसा कर दीजिए, आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, आप ये शेयर कर दीजिए, कई बार फ़ोन ऐसे ऐसे
आते रहते हैं कि आपका वहाँ अकाउंट था, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ऐसे कई बहुत सी जानकारी हो सकती है। लेकिन इससे आप बहुत बड़े, अगर मोबाइल को, अपने पुराने मोबाइल को कबाड़ी वालों या किसी को देते हैं, तो बहुत बड़े साइबर क्राइम के आप में फंस सकते हैं, बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आप जो मोबाइल कबाड़ी वाले को थोड़े से लालच में के चक्कर में दे रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, आजकल गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे हैं और सब मोबाइल, पुराने मोबाइल के बदले सामान दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं, कटोरी चम्मच स्टील के बर्तन वगैरह 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 बहुत सी चीज़ें देते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, आप भले उस मोबाइल को तोड़ फोड़ के घर में पड़ा रहने दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन उन लोगों को मत दीजिएगा। क्योंकि हमने एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी है कि जिसमें ये लोग पुराने मोबाइल ले जाकर उनका जो डेटा होता है वो उसको रिसीव कर लेते हैं और फिर उसके ज़रिए, आपकी आईडी के ज़रिए बड़े बड़े क्राइम करते हैं, पैसे निकालने का या फिर कुछ और भी क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं वो डाटा कलेक्ट करके। तो उससे कई ऐसे हादसे भी हुए हैं और लोग जब पकड़े गए तो पता चला कि वो जो पुराने मोबाइल आजकल गली मोहल्ले में लोग लेते हैं, उनके जरिए उनका डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेने के बाद वो उनकी आईडी से, उनके जो डेटा से उसका गलत उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कभी भी ये गलती ना करना, क्योंकि जो लोग कर चुके हैं वो लोग दोबारा भी ये गलती कभी ना करें। और इसको बहुत ही ध्यान में रखें कि भले ही वो मोबाइल पड़ा रहे घर में, फेंक दीजिए, तोड़ फोड़ के फेंक दीजिए, लेकिन ये गलती थोड़े से लालच में उन लोगों को मोबाइल अपना मत दीजिएगा, भले ही खराब पड़ा हुआ हो, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़े हादसे के शिकार हो जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक वीडियो, एक क्लिप हमने, ये पेपर में काफ़ी जाना माना पेपर है, उसमें ये न्यूज़ छपी है कि पुराना मोबाइल बन सकता है साइबर क्राइम का हथियार। ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ेगा, सॉरी ये दिखाई मतलब उल्टा हो रहा है, लेकिन हम ये वीडियो जो इसकी क्लिप है हम अपने वीडियो के लास्ट में जरूर आपके साथ इसमें ऐड कर देंगे ताकि आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि गांव में घूम घूम कर खराब मोबाइल लोग खरीद रहे हैं और उनका डेटा वगैरह निकाल कर उनसे बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम करते हैं, उसमें लोगों के पैसे भी निकाल लेते हैं, उनका उनके डेटा को निकाल कर गलत मिसयूज करते हैं। तो ये जो इस सिर्फ पैसे नहीं, ये इससे हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, हमारे परिवार का, हमारे आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों सभी का जो है भविष्य इसमें खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये अगर हमारे जैसे जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं उनके घरों में भी मोबाइल ख़राब होते ही होंगे, अगर वो लोग भी इस तरीके से मिसयूज कर फेंक देते होंगे, उनके घरों में लोग कर देते होंगे, तो उनके तो मोबाइल में जो बड़े बड़े राष्ट्र के प्रति जिनके काफ़ी मोबाइल से बातें होती रहती हैं, डेटा कलेक्ट रहता है, तो अगर वो लोग, उन लोग को मोबाइल अगर हाथ लग जाएगा तो ये तो बहुत हमारे राष्ट्र के लिए भी अहित होगा। तो दोस्तों आप कभी भी ये गलती नहीं करना है आपको कि अपने मोबाइल को उन लोगों को नहीं देना है, कबाड़ी वालों को या किसी को भी ऐसे नहीं देना है, भले ही वो मोबाइल ख़राब हो चुका हो तो उसको आप घर में पड़ा रह दीजिए, कूड़े के भाव पड़ा रह दीजिए, तोड़ फोड़ के फेंक दीजिए, लेकिन किसी को दीजिए नहीं। इस क्राइम से बचने के लिए, इस हादसे से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने ये जानकारी आपके साथ शेयर की क्योंकि ये न्यूज़ हमने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए और इससे हर कोई बच सके, ये आप जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें और इस किसी भी हादसे के शिकार होने से बच सकें। क्योंकि गांव में महिला जो रहते हैं लोग, ज़्यादातर पेपर नहीं पहुँचता है लेकिन मोबाइल सभी के पास रहता है और वो न्यूज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वायरल करेंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगी और लोग जागरूक हो जाएंगे, तो उससे हमारा समाज बचा रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी जानकारी, हमारी जो हमने आज आपके साथ शेयर की है, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और नए नए यूजफुल आइडियाज़ के लिए, जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम नया यूजफुल आइडियाज़ फिर कोई आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।